कोटा शहर में लगातार NUHM के तहत पब्लिक हेल्थ मैनेजर आंदोलित है। 25 अगस्त से संविदा पर लगे कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर खारे बहिष्कार आंदोलन चल रहा है। सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए टिप्टा डिस्पेंसरी में सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। संविदा कर्मियों ने कहा है कि कोटा जिले में करीब 40 कर्मचारी तैनात हैं। सरकार के वादे के मुताबिक अभी तक उनका नियमितीकरण नहीं किया गया है, जबकि वह ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा है कि जब तक सरकार उनका नियमितीकरण नहीं करती है, तब तक समान काम समान वेतन होने दिया जाए। NUHM हम NUHM कर्मचारी 25 अगस्त से सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। सरकार हमारी कोई मांग को पूरा नहीं कर रही है, इसके लिए आज हमने सद्बुद्धि यज्ञ रखा है। सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि हम अगर जो सत्ता में आए तो हम सभी संविदा कार्मिकों को नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन देंगे। उन्हीं के आधार पर हम लगातार सरकार से 13वें दिन से ये मांग कर रहे हैं कि हमें नियमितीकरण किया